is Weasel News. राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अब हमारे साथ है वागोस गैंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द इंटरव्यू। यू आर वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। ऑलराइट सर, एंड सर आपसे एंड आपकी गैंग से फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, आपका पर्पस क्या था गैंग बनाने का? देखिए मैम, हमारा पर्पस मेन यही था कि हम लोगों की हेल्प करें। लाइक जैसे कुछ होती है ना गैंग्स जो बहुत ही गंदे क्राइम करती है, लोगों को उठा लेती है, फालतू में मारती है, लूटपाट करती है, काटती फाटती है। तो बेसिकली हमारा जो गैंग का एजेंडा था यही था कि लाइक हम उनको लाइक चटकाएं यहाँ से और पूरे सिटी की सुरक्षा करें। सो सर मैं जान सकती हूँ क्लास 3 वेपन्स की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको, अगर आप सिटी की सुरक्षा की बात करते हो? एक्चुअली सीन क्या होता ना कि अगर जैसे राइवल गैंग्स हैं उनके पास भी ऐसी क्लास 3 गन्स होती है, सो दैट्स वाई हम लोग को ये अपने खुद की सुरक्षा के लिए भी रखनी पड़ती है। उनको मारने के लिए तो रखनी ही पड़ती है, लेकिन खुद की सुरक्षा के लिए भी रखनी पड़ती है। सो दैट्स वाई हम सब क्लास 3 वेपन्स रखते हैं। एंड सर अकॉर्डिंग टू द पुलिस, शहर में सबसे ज़्यादा तंग आप ही की गैंग उन्हें करती है। हमारी गैंग? नो, आपकी गैंग जो है उन्हें एक्चुअली डिस्टर्ब करती है। देखिए मैम, जब शहर में कोई गैंग अच्छा काम करती है ना, तो उसको ख़राब करने के लिए बहुत सारी राइवल गैंग्स एक दूसरे गैंग्स का नाम लेती है। सो अगर हमारा नाम ख़राब किया जा रहा है तो डेफिनेटली इट्स राइवल गैंग जो हमारा नाम लेके ख़राब कर रही है नाम। एंड सर आप बता सकती हो कि ये जो गैंग्स है दूसरे आपके राइवल्स हैं ना, आप सब मिलके काम करते हो या सबका अलग अलग काम है? देखिए हमारे साथ फिलहाल तो एक गैंग काम कर रही है जो है रेड माफिया, और बाकी जो गैंग्स हैं वो सारी राइवल गैंग्स हैं। तो सर सब एक दूसरे से मतलब अलग अलग काम करते हैं, सिर्फ आप दोनों ही मिलके काम करते हैं इस सिटी के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर आप जो काम करते हो सेफ्टी, जो आपकी सुरक्षा होती है, सिटी को क्या बेनिफिट्स देते हो आप आपके काम से? सिटी में लाइक जो कचरे भरे पड़े हैं वो साफ रहते हैं। सर वो तो आई मीन टू से जैसे कि यस कचरा आई मीन टू से इस कि जैसे राइवल गैंग्स के ऐसे छोटे मोटे क्रिमिनल्स घूमते रहते हैं, उनका सफाया करते हैं। तो सर मेन पर्पस आप लोगों का यही है, जो सिटी में इशू होते हैं, जो पुलिस है उनकी आवाज़ नहीं सुनती, आप उनके लिए हेल्प करने के लिए खड़े हो जाते हो? जी बिल्कुल। ऑलराइट सर, एनी लास्ट वर्ड्स फ्रॉम योर गैंग टू द सिविलियंस ऑफ द सिटी? आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर पिंकू टू से सम वर्ड्स। ओके मिस्टर पिंकू, एनी लास्ट वर्ड्स फ्रॉम योर वागोस गैंग टू द सिविलियंस ऑफ द सिटी? सिविलियंस, they should not fear us. We are not here to harm them. Hello? We are just here to protect them. Okay? If they need any help from us, we are open to talk to them. We are open to help them. Koi bhi problem ho, they can contact our gang. Okay? We can help them. हमको ना उनके कोई नुकसान पहुंचाना है, ना उनके जिंदगी में कोई ट्रबल बनानी है। We are just here for them. We are here to help them. That's it. We are, हम समझ ले कि आप हम उनके एक दोस्त की तरह ही है। तो सर आपको नहीं लगता ये काम पुलिस का है उनकी हेल्प करने का? पुलिस का? जी सर। places there are sometimes जब पुलिस भी हेल्प नहीं कर पाती है, उन लोगों के भी चीजें थोड़ी बाहर हो जाती है। बहुत बार इवन पुलिस ने भी मैसेज करा है कि they need help. Alright, thank you so much for your time and your interview, Vagos Gang. हमारे साथ बने रहिए, मैं हूँ रिपोर्टर हेबा फ्रॉम विजन न्यूज़। जय हिंद दोस्तों।